प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरे की खोज वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंडूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी, जहां से दरियाई नूर और नूर उन ऐन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे भी निकले थे। पर यह कोहिनूर हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी इतिहास में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्यास्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा शापित है, और यह मान्यता कोई वर्तमान समय से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से है। इस हीरे का प्रथम प्रमाणिक वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। हाँ, हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था, पर इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वह सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। हालांकि तब उसकी बात को उसका वहम कहकर खारिज कर दिया गया, पर यदि हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो कह सकते हैं उसकी बात काफी हद तक सही भी थी। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह कभी भी खुशहाल नहीं रह पाया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में काकतीय वंश के पास आया, और इसी के साथ 1083 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय वंश के बुरे दिन शुरू हो गए, और 1323 में तुगलक शाह प्रथम से लड़ाई में हार के साथ काकतीय वंश समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के पतन के पश्चात यह हीरा 1325 से 1351 ईसा तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह विभिन्न मुगल सल्तनत के पास रहा, और फिर सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथ चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया, और फिर उनके बेटे ने उन्हीं के महल में ही उन्हें नजरबंद कर दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया, और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया, और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरे को पर्शिया ले गया, और उसी ने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 ईसा में नादिर शाह की हत्या हो गई, और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शाहनशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया, और फिर उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। पर कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को अपदस्त कर दिया। 1813 ईसा में अफगानिस्तान के अपदस्त शाह शुजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचा। उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को दे दिया, एवं इसके एवज में राजा रंजीत ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलवाया। तो इस प्रकार कोहिनूर हीरा भारत वापस आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोहिनूर हीरा आने के कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, और इसी के साथ यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया, तथा हीरे के शापित होने की बात भी रानी को बताई गई। महारानी विक्टोरिया बात को समझ गई, और उन्होंने 1852 में हीरे को अपने ताज में जड़वा लिया, और वह खुद उस ताज को पहनने लगी, तथा यह वसीयत भी कर दी कि इस ताज को सदैव महिला ही पहन सकती हैं। यदि कोई पुरुष ब्रिटिश का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं के द्वारा इस ताज को धारण करने के बावजूद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ, और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए भी यही जिम्मेदार माना जाता है। ब्रिटेन 1850 तक आधे विश्व पर राज कर रहा था, पर इसके बाद उसके अधीनस्थ देश एक एक करके स्वतंत्र होते गए। तो कितने कैरेट का था यह कोहिनूर? माना जाता है 793 कैरेट का था यह कोहिनूर हीरा। लेकिन समय के साथ साथ हीरे पर काम होता गया, और अब हीरे की कटिंग के बाद अब केवल कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का रह गया है। क्या आप जानते हैं कोहिनूर हीरे का क्या प्राइस है? कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक भी बार नहीं बिका। यह या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया, या फिर इनाम में दे दिया गया, इसीलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। पर इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पहले हांगकांग में एक ग्राफ पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था।
इस हिसाब से कोहिनूर की कीमत वर्तमान समय में कई बिलियन डॉलर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।